नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की खबर गाजीपुर से है, जहां सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा बयान दिया है। ओपी राजभर ने सीएम योगी आदित्यनाथ से रामगोपाल यादव की भेंट पर बयान देते हुए कहा कि रामगोपाल यादव भी माफिया की पैरवी करने गए थे। साथ ही उन्होंने सवाल खड़ा किया कि क्या सिर्फ रामगोपाल के संबंधी ही उत्पीड़न का शिकार है। माननीय मुलायम सिंह जी के जो समधी ने कहा है वो सही है कहा है भाई। पूरे उत्तर प्रदेश में अगर उत्पीड़न की बात हो रही है तो अखिलेश यादव जी कहा करते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है। तो वो तो चिट्ठी जो माननीय रामगोपाल जी ने मुख्यमंत्री को दिया तो उस चिट्ठी में साफ साफ लिखा है कि उनके ऊपर भूमाफिया का मुकदमा लिखा गया है। टीवी पर मैंने देखा कि किसी के ऊपर 80 मुकदमे 81 मुकदमे 82 मुकदमे एक एक आदमी के ऊपर लिखे गए हैं। ऐसे भू माफिया की पैरवी करने माने रामगोपाल जी जा रहे हैं और सपा के ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट होता है कि कार्यकर्ताओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है। तो भाई खाली रामगोपाल के संधिये तो नहीं हैं उत्पीड़न के शिकार। आजम खां भी हैं और भी मुसलमान भी हैं, कोइरियो हैं, भरो हैं, चौहानों हैं। राजधानी लखनऊ के प्रतिष्ठित राजेंद्र नगर हॉस्पिटल और मॉर्फियस लखनऊ फर्टिलिटी सेंटर की संचालिका डॉक्टर सुनीता चंद्रा लगातार बड़े से बड़े और कठिन ऑपरेशन करती आई हैं। इसी कड़ी में उन्होंने एक 28 वर्षीय महिला का सफल ऑपरेशन करते हुए गर्भावस्था में 4 किलो का ट्यूमर निकालने का इतिहास रचा है। बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गई, इतने सारे अल्ट्रासाउंड, सब में एक ही चीज़ कि ट्यूमर बहुत बड़ा है, बच्चा सिर्फ 12 हफ्ते का है, ना बच्चा बचा पाएंगे ना बच्चेदानी बचा पाएंगे। तो खैर थोड़ा बहुत सुनते सुनाते, रायबरेली की पेशेंट थी, रायबरेली के पास के गांव की, तो उसने किसी से पूछा होगा, जो भी हुआ शी केम टू मी, मेरे पास आई। तो मैंने देखा तो एक बार को तो बहुत सच में लगा मुझे भी कि शी इज़ फुल टर्म प्रेगनेंट, बट देन फिर खैर देखा तो पता चला कि नहीं, 12 हफ्ते की प्रेगनेंसी और बाकी सारा पूरा ट्यूमर है, टिल हेयर एपिगेस्टियम हम लोग इसको कहते हैं, पेट के ऊपर के पार्ट तक। फिर डिसाइड किया कि ऑपरेशन करना है और बच्चेदानी भी बचानी है। गोंडा के तहसील कर्नलगंज क्षेत्र अंतर्गत चंदापुर किटौली के पास स्थित बांध पर बाढ़ से सुरक्षा के लिए हो रहे मरम्मत काम की मौके पर बुधवार को हमारे संवाददाता ने पहुंचकर हकीकत देखी, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली और जेसीबी से बांध पर तेजी से मरम्मत कार्य चल रहा है, जिसका जिलाधिकारी गोंडा उज्जवल कुमार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों और बांध का निरीक्षण करके संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। खबर उन्नाव से है, जहां मुहर्रम पर शांतिपूर्ण माहौल में मनाए जाने को लेकर विकास भवन सभागार परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में डीएम एसपी सीडीओ के नेतृत्व में मौजूदगी में आयोजित की गई। वहीं इस दौरान डीएम ने कहा कि उन्नाव जिला गंगा जमुना तहजीब के लिए जाना जाता है और ये सभी पर्व आपसी भाईचारे के साथ मनाए जाते हैं। ऐसे उन्हें पूरी उम्मीद है कि हर पर्व की तरह मोहर्रम भी शांतिपूर्ण और आपसी भाईचारे के साथ संपन्न होगा। ये जनपद स्तरीय पीस कमेटी की बैठक थी और पीस कमेटी की बैठक में शासन के अनुरूप जो आवश्यक निर्देश हैं हम लोगों ने दिए हैं और उसके अलावा संवाद पर पर्टिकुलरली एम्फसाइज किया है कि संवाद और समन्वय स्थापित करते हुए और निचले स्तर तक ये स्थापित कराते हुए आयोजक और जितने भी यात्राएं या फिर जुलूस निकलने उनके आयोजकों के नंबर इत्यादि के पास हों, किसी प्रकार का संवाद की कोई कमी ना हो, बाकी सभी तरह की जो आवश्यक इनके द्वारा जो कतिपय अपेक्षाएँ वो बताई गई उस पर कार्रवाई की जाएगी। जनपद स्तरीय खबर अलीगढ़ से है, जहां के थाना दिल्ली गेट गुला रोड मार्ग पे असलम टीवीएस मोटरसाइकिल का शोरूम है, जहां कुछ लोगों ने दुकान को तोड़ दिया। वहीं किराएदार ने बताया कि 2008 से मैं यहां किराएदार हूं, मैं दुकानदार मालिक ने किराएदार से कहा कि मैं जब दुकान बेचूंगा तो आपको दे दूंगा, लेकिन दुकानदार मालिक ने बिना किराएदार को बताए और दुकान खाली कराए बिना ही किसी और के नाम बेनामा कर दिया। हमारे भाइयों की बाप की दुकान तोड़ी गई,
रात में उनके साथ में क्या जुल्म हो रहा है तुम भी देखो अपनी आंखों से। हमें बिन बताएं, हमें अपने घर पे बुला रहा है, हम सब बात कर रहा है, हम से धमकी कह रहा है कि तुम दो दिन रुक जाओ, चार दिन रुक जाओ। हमने अगाई कुछ नहीं करी उसके साथ में, हम उसकी बातों पर रहे, उसकी बातों का नतीजा देखो हमारी दुकान का इसने क्या हाल कर दिया। हम रो रहे हैं, गिड़गड़ा रहे हैं, हमने ये कहा था तूने हमारा ये गड्ढा कर दिया, मट्टी हम इसमें भर लें कि नहीं, पड़ोसी को वो होगा तुम चिल्ड्रन पर बात पड़ जाएगी। हमारे पास सब है सबूत उसके साथ। अब बात हुई है उनसे दुकान मालिक से? अभी नहीं हुई, हमारे सामने वो आया भी नहीं है। खबर अयोध्या से है जहां जनपद के रौनाही क्षेत्र में स्थित फैज़-ए-आम मुस्लिम इंटर कॉलेज में दो हिंदू छात्रों के नाम काटने के मामले में जिला विद्यालय निरीक्षक राजेंद्र पांडे ने स्कूल पहुंचकर जांच की और लोगों से अपील की कि इस मामले को धार्मिकता से ना देखा जाए, ये केवल बच्चों का विवाद था। वास्तव में ये दो बच्चे जिस दिन की घटना है इंटरवल के दौरान ये लोग आपस में बच्चे कुछ चर्चा कर रहे थे, तो उस चर्चा में धार्मिक बिंदुओं पर टिप्पणी होने के कारण उन बच्चों में कहासुनी हुई और कहासुनी जब ज़्यादा हो गई तो विद्यालय के प्रधानाचार्य ने उन बच्चों को बुलाया और इन दोनों बच्चों का नाम विद्यालय से निष्कासित कर दिया गया कि जाके अपने गार्जियंस को लेके आइए। विद्यालय का कहना यह है कि चूँकि बच्चों ने अभद्र अनुशासनहीनता की थी, बच्चों ने एक माहौल में विषाक्त हुआ था, आपस में झगड़ा हुआ था, तो उनके गार्जियंस को बुलाया गया कि उनको बुला के इन बच्चों को समझाया जाए, फिर उसके बाद कार्रवाई की जाए। खबर अलीगढ़ से है जहां बाल स्वास्थ्य पोषण माह के तहत जिले में बच्चों को सुपोषित रखने के लिए बुधवार को विटामिन ए संपूर्ण कार्यक्रम की शुरुआत यूपीएचसी बन्ना देवी अस्पताल से हुई। शहर विधायक मुक्ता राजा और सीएमओ डॉक्टर नीरज त्यागी ने दो दो बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाकर अभियान का शुभारंभ किया। बता दें ये अभियान एक महीने तक चलेगा। देखिए इसको औचक निरीक्षण ना समझें, बेसिकली जो सरकार द्वारा जो दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं जिसमें जो भी हमारे यहाँ उपचार हेतु रोगी आए हुए हैं ओपीडी में या जो हमारे यहाँ भर्ती कर उपचारित किए जा रहे हैं, तो उनके साथ एक संवाद स्थापित किया जाना था कि यहाँ अस्पताल में उपचार प्राप्त करने के दौरान या भर्ती के दौरान उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, जो भी चिकित्सा सुविधाएँ अपेक्षित हैं वो उन्हें मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं। और भ्रमण के दौरान पाया कि जो रोगी उपचार हेतु ओपीडी में आए हुए थे वो अपने नियमित उपचार प्राप्त करने के बाद यहाँ से संतुष्ट लौट रहे हैं। खबर अमेठी से है जहां 300 कावड़ियों का जत्था आज जाने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचा, जिसकी खबर मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची। पुलिस क्षेत्र अधिकारी मनोज यादव, प्रभारी निरीक्षक पीपरपुर थाना धीरेन्द्र यादव और अमेठी कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक उमाकांत शुक्ला सहित तमाम पुलिस कर्मियों ने रेलवे स्टेशन पहुंचकर कावड़ियों को बिस्किट खिलाते हुए जल पिलाया। इसके बाद कावड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा कर ट्रेन आने पर उन्हें सुरक्षित रूप से ट्रेन में बैठाकर अपने गंतव्य के लिए रवाना किया। आज आप लोग जो है कहां जा रहे हो, किस तरीके से? हम लोग बाबा बैजनाथ धाम कल्याणपुर से निकले हैं, थारीपुर होते हुए टिकरी अमेठी के लिए स्टेशन पे आए हैं। यहाँ जो हमको व्यवस्था मिली उससे हम बहुत प्रसन्न हैं, तहे दिल से स्वागत करते हैं। योगी सरकार जो व्यवस्था दे रही है, जो दिला रही है, उसके लिए मैं सरकार का तहे दिल से स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। गाजियाबाद के कई इलाकों में हुई थोड़ी सी बारिश ने नगर पालिका की पोल खोल कर रख दी है। एक छोटा सा बच्चा अपने छोटे भाई को पानी से बचाने के लिए आधे घंटे तक गोदी में उठाकर जद्दोजहद करता रहा, तो वहीं दूसरी तरफ अंतिम यात्रा की अर्थी समंदर में तब्दील हो चुकी सड़कों से निकलती दिखी। खबर वाराणसी से है जहां के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में छात्रों ने प्रशासनिक भवन पर ताला लगाकर जोरदार प्रदर्शन किया और एडमिशन की डेट बदलने की मांग की और कहा कि मांग पूरी ना होने तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा।
जी यहाँ पे विरोध इस वजह से हो रहा है कि हमारी चीफ प्रॉक्टर जो प्रॉक्टोरियल बोर्ड है, जो भी प्रशासनिक भवन में कार्य करते हैं लोग, समय के साथ वो लोग उपस्थित नहीं रहते। अभी मैं दो बच्चों का जो बाबतपुर से आए थे उनका मैं कार्य कराने गया था, तो उस समय मुझे बोला गया कि आप जाइए चीफ प्रॉक्टर से साइन कराइए चाहे असिस्टेंट रजिस्ट्रार से साइन कराइए, मैं गया, दोनों लोग वहाँ उपस्थित नहीं थे। विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के चैनल को बंद करके किस छात्र हित की बात की जा सकती है, जिसमें कि बहुत दूर दूर से, चूँकि ये विश्वविद्यालय 5 जिलों में चलता है, तो 5 जिलों के लोग अपने कार्यों को लेके आते हैं। किसी को TC लेना है, किसी को किसी कार्यक्रम की अनुमति लेनी है, किसी को BC सर से मिलना है, किसी को रजिस्ट्रार मैडम से मिलना है, हर जिले के विश्वविद्यालय के लोग विश्वविद्यालय में आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर। सुबह से 12 बजे से चैनल बंद करके 5 बजे तक चैनल बंद है, और ये कहते हैं कि हम छात्र हित में बात कर रहे हैं। खबर औरैया से है, जहां पर बिधूना कस्बे में जर्जर विद्युत लाइन की चपेट में 15 साल का बच्चा आ गया, जिसका वीडियो बनाकर किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बच्चे की गंभीर हालत को देखते हुए उसके परिवार वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिधूना लेकर गए, तब बच्चे की जान बचाई जा सकी। करंट की चपेट में आने से कई घटनाएं होने के बाद भी विभाग गंभीर नहीं दिख रहा है। हर हर शंभु गाने वाली मुस्लिम महिला सिंगर फरमानी नास के समर्थन में राज्य महिला आयोग भी उतर आया है। वहीं जन सुनवाई करने पहुंची राज्य महिला आयोग की सदस्य इंदिरा वास सिंह ने कहा कि ये फरमानी नास के लिए सौभाग्य की बात है कि उन्होंने हर हर शंभु गाया है। मुस्लिम समाज की होने के बावजूद उन्होंने हिंदू अध्यात्म का गाना गाया है, लोगों को उनका सम्मान करना चाहिए। जो मुस्लिम महिला ने हर हर शंभु पर गाना गाया है, ये तो उसके सौभाग्य की बात है कि उसने भाई मुस्लिम समाज की हो करके और आज अध्यात्म के क्षेत्र में कहीं ऐसा गाना गाया है, और उसका तो सम्मान लोगों को करना चाहिए, उसका विरोध नहीं होना चाहिए। अलीगढ़ तहसील कोल में भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर अधिवक्ताओं का धरना दूसरे दिन भी जारी है। वहीं अधिवक्ताओं ने तहसील के सभी कार्यालयों में पहुंचकर नारेबाजी कर प्रदर्शन करने के साथ काम रुकवाया, और अधिवक्ता ने भ्रष्ट और गैर जिम्मेदार अधिकारियों के स्थानांतरण होने तक धरना जारी रखने की चेतावनी दी। मेरी दो फाइलों में तहसीलदार कोल ने बिना सुने मेरी कैबिनेट रहते हुए आदेश पारित कर दिए। 4 मार्च को उन्होंने कैबिनेट पर सुना और मैं उसको मुझे आपत्ति का मौका देना था, मौका नहीं दिया, और लाखों रुपए लेकर के उसमें एक्स पार्टी स्टेटमेंट कर दिया। पिछले 2 महीने से अपनी मांगों के समर्थन में हड़ताल भी करते आए हैं, किंतु तहसील प्रशासन पर एक भी प्रस्ताव का या एक भी हमारी परेशानियों के संबंध में अभी तक जू नहीं रहा है, और अब हद यहाँ तक हो गई है कि इन लोगों ने कोई भी काम बिना पैसे के करना नहीं चाहते। जो भी काम है, जो जनता का काम है, बिना पैसे के कोई काम नहीं हो रहा, मजबूरन हमको हड़ताल पे आना पड़ रहा है। खबर फरीदाबाद से है, जहां जिला उपायुक्त जितेंद्र यादव के कार्यालय की नाक के नीचे फिर आधार कार्ड बनाने का फर्जीवाड़ा सामने आया है। आधार कार्ड में सुधार करने के लिए स्कूल और विधायक की फर्जी मोहर और हस्ताक्षर करने वाले एक आरोपी युवक को जनता ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया, जो कि 700 रुपए लेकर स्कूल और विधायक की फर्जी मोहर लगाता था और हस्ताक्षर भी करता था। मेरा नाम सुनील नागर, नीम का सर। अच्छा, किस लिए आए थे आप? मैं आधार बनवाना आया था बच्चे ने। फिर इससे कैसे मुलाकात हुई तुम्हारी? मुलाकात वो मैंने काउंटर पर दिए, काउंटर वाले ने इसको दे दिए, और वो कहने लगा ये मोहर नहीं चलेगी, तेरे प्रधान की हम लगा के लाएंगे। गया दूसरा फार्म लगा रहे, 700 रुपये लिए इसने, और फार्म मैं फोन मार के इन्हें दे दिया। कौन से? मुझे 3 घंटे हो गए, थोड़ी देर करा, थोड़ी देर करा, उसके बाद उसने फाड़ के फेंक दिया। अच्छा, किस चीज़ की मोहर लगाई इसने? स्कूल की लगाई थी। ये कह रहे थे पहले हमने प्रधान की मोहर लगवाई थी, लेकिन वो नहीं मानी इन्होंने। फिर नीचे ही आधार सेंटर में किसी ने, आधार सेंटर के बाहर किसने स्कूल की मोहर लगा दी। हम लोग इनके साथ नीचे देखने आए तो जैसे DIO साहब को देख के एक बंदा भागा, और एक बंदे ने जिस बंदे की तरफ इन्होंने इशारा किया कि ये बंदा मोहर लगा रहा है, एक कागज़ फेंका, वो कागज़ देखा तो उसमें उसी स्कूल की मोहर लगी हुई थी। फिर इसने 5 मिनट बाद भागने की कोशिश की, जो एप्लीकेंट था और मैंने, दोनों ने पकड़ा इसे, भागते भागते इसे यहाँ लेके आए हम। उसके बाद एक पब्लिक में से किसी ने बताया कि इन्होंने एक कागज और फेंका है,
उस कागज पे विधायक की मोहर लगी हुई थी, अब ये कह रहे हैं कि ये हमारे कागज नहीं है। जब दो कागज हमें मिले, दोनों पे मोहर लगी हुई है और ये प्रतीत होता है कि ये जेन्युइन कागज नहीं है, और फिर भी ये कह रहे हैं कि हमने नहीं किया, ये रंगे हाथों पकड़े गए। ये फोन आया कि कोई इसमें ना फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर रहा था, कोई फर्जी मोहर लगा रखी। ठीक है, शिकायत दी है इन्होंने? आदमी है लोग, अभी कंप्लेंट साफ बुलाया है। कितने आदमी बताए जा रहे हैं फिलहाल? तो भी एक ही। खबर कानपुर से है, जहां सुबह से हो रही बरसात के बाद जिला अस्पताल में पानी भर गया, जिसकी वजह से आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अब देखने वाली बात यह है कि अस्पताल प्रशासन की तरफ से पानी निकासी का कोई उपाय किया जाएगा या यूं ही बारिश के दौर में यहां पर पानी भरा रहेगा। खबर वाराणसी से है, जहां सरकार के 100 दिन के कार्यकाल को लेकर पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान पर्यटन मंत्री ने कहा कि सरकार ने संकल्प पत्र के 130 बिंदु में से 97 बिंदुओं को पूरा किया है। अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस पर सरकार कार्य कर रही है। प्रदेश में कानून का राज रहा और भूमाफियाओं के विरुद्ध कार्यवाही हुई है। देखिए, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान का वो व्यक्ति जो देश के प्रति श्रद्धा आस्था और राष्ट्रभक्ति रखता है, वो तो हरेक का दायित्व है। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये विषय देश के प्रति अपनी समर्पित भावना दिखाने का, उन अमर शहीदों के प्रति जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी की, जिन्होंने आज़ादी के लिए अपना बिना किसी लोभ लालच के अपनी जान नौछावर करने का काम किया है, उनको याद करने का वक्त है, उनके प्रति समर्पित भावना दिखाने का वक्त है। और हम समझते हैं और खुशी भी है कि इक्का दुक्का हो सकता है कोई सिरफिरे ऐसी बातें कर रहे हों, लेकिन देश के हर राजनीतिक दल की बहुत ही सकारात्मक प्रतिक्रिया है। वाराणसी नगर निगम के आयुक्त प्रणय सिंह ने नमो घाट पर एंट्री टिकट लगाने का आदेश दिया था, जिसके बाद से ही काशीवासियों की ओर से आपत्तियां जताई जाने लगी। वहीं भारी विरोध और नाराजगी को देखते हुए मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल ने आदेश को रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि गंगा में पानी अधिक होने की वजह से लोगों को फिलहाल तटवर्ती इलाकों में नहीं जाने की सलाह दी जा रही है, अभी टिकट की कोई व्यवस्था लागू नहीं की जाएगी। सर, उसके बारे में ये कल अचानक मालूम चला कि यहाँ टिकट लगने वाला है, लग गया है, तो इससे काशी के वासियों बड़ा नाराज़ है, क्योंकि पर्यटन स्थल है या मोदी जी ने नमो के जो बनाया पर्यटन, ये पब्लिक के लिए बनाया है, और हमको तो नहीं लगता कि कहीं भी टिकट लगता है। बनारस में बहुत एक घाट है, 80 घाट है, दशाश्वमेध घाट है, कभी अब तक टिकट नहीं लगा, लेकिन ये हमको लग रहा है कि मोदी जी यहाँ बनवा के बिजनेस अपना कर रहे हैं। पहली बार की ये कि जितने भी घाट हैं यहाँ से लेकर के जो है कि खिड़किया घाट से लेकर के 80 घाट तक कहीं भी घूमिए, कहीं भी एक फ्री कास्ट है, ठीक है, एक रुपया भी पैसा नहीं लग रहा है, और यहाँ हम पहली बार आ रहे हैं, यहाँ 10 रुपया ले रहे हैं। नमो घाट पे बेसिकली हमने ऑपरेशन और मेंटेनेंस को सुनिश्चित करने के लिए और साथ में भीड़ को मोबिलाइज करने के लिए 10 रुपये का नॉमिनल शुल्क लिया था, और उसको कल शाम से इम्प्लीमेंट किया गया है, और अभी जो है उच्चाधिकारियों द्वारा भी निर्देश आए हैं कि कुछ देर के लिए इसे होल्ड पर रखा गया, अंडर रिव्यू करा जा रहा है। खबर बदायूं से है, जहां पुलिस द्वारा मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। 7 अभियुक्त गण गिरफ्तार किए गए हैं, जिनसे 2 किलो अफीम भी बरामद हुई है, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जिसके संबंध में स्थानीय थाना में NDPS एक्ट के तहत अपराधियों पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। खबर गोंडा से है, जहां अपर स्वास्थ्य निर्देशक अनिल कुमार मिश्र ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनकापुर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की अव्यवस्था को देखकर नाराजगी जताई और प्रभारी अधीक्षक डॉक्टर DK भास्कर को व्यवस्था ठीक करने के दिशा निर्देश दिए। खबर जनपद मैनपुरी से है, जहां बेवर थाना क्षेत्र के गग्गरपुर नहर पुल के पास प्रेम प्रसंग के चलते प्रेमी जोड़ा गोली लगी हुई रक्त रंजिश हालत में पाया गया, जिसे तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। वहां से जिला अस्पताल के लिए दोनों को रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल में लड़की को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, वहीं लड़के की गंभीर हालत को देखते हुए सैफई पैरामेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। परिजनों को सूचित कर दिया गया। दोनों के पास से पुलिस को 1 तमंचा, 2 खाली कारतूस, 1 तमंचे में फंसा हुआ कारतूस मिला है। आपको बता दें कि घटना की गहराई से जांच की जा रही है और अन्य तथ्यों पर भी जांच जारी है।
मैनपुरी के बेवत थाना अंतर्गत घग्गर नहर पुल से आगे एक युवक और एक युवती घायला अवस्था में वहां मिले। वहीं पर एक तमंचा और दो खोखा कारतूस भी पड़ा था और एक खोखा कारतूस तमंचे के अंदर फंसा हुआ था। पुलिस द्वारा तत्काल घायलों को अस्पताल वहां भेजा गया, वहां से जिला अस्पताल रेफर किया गया। जिला अस्पताल में युवती को मृत घोषित कर दिया गया और लड़के को हायर सेंटर PGI सैफई रेफर किया गया है। इस संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच।